कटता कहां, तवील था रातों का सिलसिला, सूरज मेरी निगाह की सच्चाइयों में था, सूरज मेरी निगाह की सच्चाइयों में था। YouTube चैनल सफर शायराना के तहत आप सभी खास मेहमानों का फिर एक बार खास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत, संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। हाथ कांटों से कर लिए जख्मी, फूल बालों में एक सजाने को। तो दोस्तों, एक अहम पाकिस्तानी शायरा आदा जाफरी, इनकी बेहतरीन और बुलंद शायरी, बेहतरीन अशार, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शायरा के बारे में मुख्तसर मालूमात और उसके बाद उनके चुनिंदा बुलंद अशार। दोस्तों, पाकिस्तान की प्रकाशित होने वाली, शाया होने वाली, छपने वाली सबसे पहली शायरा के तौर पर जाना जाता है आदा जाफरी साहिबा को। आदा जाफरी, इनकी पैदाइश 1924 की बुदान पाकिस्तान की, और उनका इंतकाल 2015 में कराची में हुआ। उन्हें 90 बरस की तवील जिंदगी नसीब हुई। आदा जाफरी मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की एक अहम शायरा, अहम उर्दू शायरा मानी जाती हैं। आदा जाफरी की शायरी का मेन सब्जेक्ट है फेमिनिज्म, जैसे सभी जानते हैं। उन्होंने फीमेल की हैसियत से, आदा जाफरी ने फीमेल की हैसियत से इंसान की ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशंस को एक्सप्रेस किया है जो किसी मर्द शायर के लिए शायद मुमकिन नहीं था। यह एक उनका अहम काम है उर्दू शायरी में। गजलों के अलावा आदा जाफरी ने कई बेहतरीन और असरदार नज़्मे भी कही हैं। आदा जाफरी की जो किताबें मंजर यहां पर शाया हैं, उनमें से कुछ नाम हैं: साज़ सुखन, शहर दर्द, और हर्फ शनासाई। दोस्तों, मेरी नजर में आदा जाफरी की शायरी की सबसे बड़ी खासियत है नर्म लबो लहजे में सटीक बात कहना। तो दोस्तों, जल्दी से नजर डालते हैं आदा जाफरी के चुनिंदा अशार पर। तो दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत में एक उनकी एक गजल के दो अशार से मैं शुरुआत करता हूं। हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है, हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है, कभी अखबार पढ़ लेना कभी अखबार हो जाना, कभी अखबार पढ़ लेना कभी अखबार हो जाना। और ये शेर देखें, अगर सच इतना जालिम है तो हमसे झूठ ही बोलो, क्या मिसरा है देखिए। अगर सच इतना जालिम है तो हमसे झूठ ही बोलो, हमें आता है पतझड़ के दिनों गुलबार हो जाना, हमें आता है पतझड़ के दिनों गुलबार हो जाना। और दोस्तों, एक बेहतरीन शेर देखिए आदा जाफरी का, बड़े ताबा बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं, बड़े ताबा बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं, शहर की राह तकना ता शहर आसा नहीं होता, शहर की राह तकना ता शहर आसा नहीं होता। अब ये एक बेहतरीन शेर देखिए आदा जाफरी का, हजार कोस निगाहों से दिल की मंजिल तक, हजार कोस निगाहों से दिल की मंजिल तक, कोई करीब से देखे तो हमको पहचाने, कोई करीब से देखे तो हमको पहचाने। ये दो शेर देखिए, एक आईना रूब रू है अभी, एक आईना रूब रू है अभी, उसकी खुशबू से गुफ्तगु है अभी, उसकी खुशबू से गुफ्तगु है अभी। और ये शेर देखें, वरना इंसान मर गया होता,
वरना इंसान मर गया होता। कोई बेनाम जुस्तजू है अभी, कोई बेनाम जुस्तजू है अभी। अब आदा जाफरी का ये शेर देखें, जिसकी बातों के फसाने लिखे, जिसकी बातों के फसाने लिखे, उसने तो कुछ न कहा था शायद, उसने तो कुछ न कहा था शायद। देखिए गजब का कॉन्ट्रास्ट है दो मिसरों में, और कॉन्ट्रास्ट से जो जादूगरी पैदा हो रही है शेर में वो कमाल की है। शेर फिर एक बार पढ़ता हूं, जिसकी बातों के फसाने लिखे, उसने तो कुछ न कहा था शायद। अब ये शेर देखिए, वो बेनकाब सामने आए भी अब तो क्या, वो बेनकाब सामने आए भी अब तो क्या, दीवानगी को होश की फुर्सत नहीं रही, दीवानगी को होश की फुर्सत नहीं रही। अब ये एक कमाल का शेर देखें, और कुछ देर लब पे आह रहे, और कुछ देर लब पे आह रहे, और कुछ उनसे रस्म राह रहे, और कुछ उनसे रस्म राह रहे। अब अदा जाफरी का ये शेर आपके सामने हाजिर करता हूं, उम्मीद का घरोंदा पल में गिरा दिया है, उम्मीद का घरोंदा पल में गिरा दिया है, तुझको भी क्या किसी ने दिल से भुला दिया है, तुझको भी क्या किसी ने दिल से भुला दिया है। देखिए एक शेर में कहते हैं कि जो एक कन्वर्सेशन का जो सिलसिला होता है वो एक गजब का असर पैदा करता है किसी भी शेर में, गजल के उसमें एक शेरियत पैदा होती है। तो ये शेर इस बात की बड़ी मिसाल है। अब अदा जाफरी के ये दो शेर देखिए, एक गजल के, पलकों के बीच सारे उजाले सिमट गए, पलकों के बीच सारे उजाले सिमट गए, साया न साथ दे ये वही मरहला है क्या, साया न साथ दे ये वही मरहला है क्या। अब ये शेर देखें, मैं आंधियों के पास तलाश सबा में हूं, मैं आंधियों के पास तलाश सबा में हूं, तुम मुझसे पूछते हो मेरा हौसला है क्या, तुम मुझसे पूछते हो मेरा हौसला है क्या। अब दोस्तों एपिसोड के आखिर में अदा जाफरी का एक लाजवाब और बेहतरीन शेर मैं आपके सामने हाजिर करता हूं, वो देखिए, कटता कहां तवील था रातों का सिलसिला, कटता कहां तवील था रातों का सिलसिला, सूरज मेरी निगाह की सच्चाइयों में था, सूरज मेरी निगाह की सच्चाइयों में था। तो दोस्तों ये थे कुछ चुनिंदा अशआर अदा जाफरी की गजलों के खजाने से जो मैंने आपके सामने पेश किए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये अशआर, ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगली मर्तबा किसी और शायर या शायरा का कलाम लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।